गाइज यार, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईवीओ फेमास की कंफर्म डेट के बारे में। मतलब यार बहुत बंदे एक्साइटेड हैं ईवीओ फेमास को लेके। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईवीओ फेमास का फेयर रिवील हमारे इंडिया सर्वर में कब आने वाला है, उसकी कंफर्म डेट क्या है। तो गाइज यार आज से ना फ्री फायर में एक नया कोलोब्रेशन, एक नया इवेंट स्टार्ट हो चुका है असैसिन क्रीड के साथ, जिसके इवेंट का नाम है द क्रीड ऑफ फायर। और गाइज यहाँ पे आपको तगड़े तगड़े फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जो कि गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड इसी के साथ में गाइज फ्री फायर में जब आप गेम खेलोगे ना, तो यार वहाँ पे ओपी ओपी एनिमेशन आ चुकी हैं, जैसे कि एरोप्लेन की स्किन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ड्रॉप की स्किन चेंज हो चुकी है, और गाइज एयरशिप की स्किन चेंज हो चुकी है। एंड सबसे तगड़ी बात जो मुझे लगी ना, वो यार जंप की एनिमेशन है। मतलब जब आप किसी खंबे पे या किसी टावर पे जाके जंप करते हो ना, तो उसकी जो एनिमेशन है ना, वो बहुत ही तगड़ी लगती है भाई। मैं क्या ही बोलूँ, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा दूंगा। और जगह जगह पे यहाँ पे भूसे की भुग्गी है यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तबाही वाला कोलेब्रेशन है ये भी। तो यहाँ पे आपको कई सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि गाइस आगे वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ इसके पूरे कैलेंडर के बारे में, आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे आपको सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है यार, वीडियो तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो यार हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं गेम में आई हुई कुछ एनिमेशंस के बारे में, जो कि यार मुझे एकदम तलकती भड़कती लग रही है और एकदम मस्त लग रही है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जो है एरोप्लेन की स्किन जो है वो चेंज हो चुकी है, मतलब इस पे असैसिन क्रीड के लोगो वोगो एंड जो बंडल है वो आ चुके हैं। एंड सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ पे एयरशिप की स्किन जो है वो भी चेंज हो चुकी है, और ड्रॉप की स्किन है वो भी चेंज हो चुकी है। एंड फोर्थ नंबर पे गाइस आपको कहीं ना कहीं पे, मतलब बरमुंडा मैप में, ये बुग्गी खड़ी हुई मिलेंगी, भूसे की बुग्गी है, जिसमें कि गाइस आप आराम से बढ़ सकते हो लेकिन बैठ नहीं सकते, एक तरीके से छुप नहीं सकते। अगर कोई बंदा आ रहा है तो आप उसे ठोक दोगे, लेकिन उसको आप दिख जाओगे इसमें बड़े हुए कि आप इसमें बैठे हो, मतलब बैठे तो नहीं हो, खड़े हुए। और बैठा क्यों नहीं जा रहा ये मुझे पता नहीं, मुझे लगता है भूसे ज्यादा भरी हुई है बुग्गी। एंड गाइज यहाँ पे जो लास्ट मुझे एनिमेशन तगड़ा लगा ना, वो था यार जंप एनिमेशन। मतलब यार जब मैं इस टावर पे चढ़ गया ऊपर जाके, तो एक अलग ही ऑप्शन आता है जंप का, और जब उस जंप के बटन को दबा देते हैं ना भाई साहब, अलग ही एनिमेशन है यार, मैं क्या ही बोलूँ। जोर से ट्राई करके देखना और वीडियो बना के डाल देना अपने शॉर्ट्स वॉर्ट्स जो भी है, मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ। वैसे पहले वीडियो को पूरा देखो तब करना, ठीक है। तो ये भाई मज़ा आ गया मुझे, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ये एनिमेशंस एंड ये ऑप्शंस फीचर जो भी डाले हैं फ्री फायर वालों ने इस कोलैबोरेशन में, आपको कैसे लगे। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं इस द क्रीड ऑफ फायर इवेंट के कैलेंडर के बारे में, जिसमें कि गाइज आपको ओपी ओपी फ्री रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। और इस कैलेंडर के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता दिया था, हो सकता है उस कैलेंडर में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हों, क्योंकि हमारे इंडिया सर्वर के लिए स्पेशली है। तो भाई आप लोग देखो, आज से यानी कि 28 फरवरी से जो इवेंट है स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको 28 फरवरी से 4 फरवरी तक सिर्फ 30 से ही रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसमें आपको सूट की स्किन दी जा रही है, और एक यहाँ पे वो है ना जिसे हम लॉबी में खड़ा कर देते हैं, मुझे नहीं पता भाई उसको क्या कहते हैं, एंड एक गोल्ड रॉयल वाउचर है। तो ये 3 आइटम मिलेंगे आपको सिर्फ 4 मार्च तक, ठीक है। और जो इवेंट का असली मजा आने वाला है ना, वो आएगा 4 मार्च से लेके 13 मार्च तक, जहाँ पे आपको ओपी ओपी आइटम दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट आएगा 4 मार्च को आएगा, उसका नाम है द असैसिन, मतलब असैसिन द चूजन, जहाँ पे कोई मिशन हो सकते हैं एंड आपको वो कंप्लीट करना होगा। एंड गाइज यहाँ पे अगला ऑप्शन है, अगला जो इवेंट है वो है टारगेट लिस्ट, जो कि गाइज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है, टेक आउट योर टारगेट, ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। और आप यहाँ पे साउंड ले सकते हो, मतलब जो म्यूज़िक होते हैं लॉबी में लगाने के, अवतार बैनर पिन हो गए, और एक फीमेल का बंडल, ये साइज आपको फ्री मिलेंगी। एंड उसी के साथ में गाइज 4 मार्च से एक और इवेंट स्टार्ट होगा, असैसिन ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको किल करने पड़ेंगे, और उन किल के बदले हो सकता है आपको गाइज यहाँ पे एक पैट की स्किन मिले, जो कि फैल्को पैट की स्किन है। एंड गाइज यहाँ पे डेली लॉगिन रिवॉर्ड में आपको कुछ टोकन दिए जा रहे हैं, जिन टोकन से आप आइटम्स को एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद में गाइज पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें कि डायमंड रॉयल वाउचर दिए जा रहे हैं, और इसके पीक डे पे 12 मार्च को लॉगिन करने पर आपको यहाँ पे गाइज 2-2 इंक्यूबेटर वाउचर मिलने वाले हैं। एंड दी अकेडमी वाले ऑप्शन में गाइज आपको इवेंट में एक लूट बॉक्स की स्किन मिलेगी, और एक स्काईबोर्ड की स्किन मिलने वाली है। और सबसे लास्ट में असैसिन ट्रेनिंग में आपको भुइया करना है, और भुइया करने पे आपको P90 की थीम स्किन मिलेगी, ओनली थीम स्किन है, इसमें कोई एनिमेशंस नहीं है, ना ही कोई आई थिंक एट्रीब्यूट होंगे अच्छे खासे, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको सिर्फ यही रिवॉर्ड दिखाए गए हैं, जो कि फ्री में मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे और तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स आएंगे, जो कि कैलेंडर में नहीं है, जो कि आपको डायमंड में मिलेंगे, मतलब फेरिड व्हील में हो गए, टोकन टावर में हो गए, एंड अलग अलग वेब इवेंट्स में, ठीक है। तो वो अलग आएंगे, वो कैलेंडर में सो नहीं किए गए, कैलेंडर में ओनली फ्री रिवॉर्ड्स हो गए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। और गाइज अभी यहाँ पे 4 मार्च को जो है ना, कुछ छोटे मोटे वेब इवेंट में आएंगे, जहाँ पे आपको फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जैसे कि असैसिन द चूजन हो गया, और टारगेट लिस्ट हो गया, असैसिन ट्रेनिंग की हो गए, ये अभी वेब इवेंट आएंगे, ठीक है। मतलब आपको लॉबी में एक ऑप्शन मिलेगा साइड में, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कई सारे इवेंट खुल जाएंगे, जैसे स्क्वाड बीट्स इवेंट था, सेम उसी तरीके का सीन है। आप सभी को पता ही है भाई, कोलैबोरेशन का जो भी इवेंट होते हैं उनमें क्या सीन होता है, क्या लफड़ा होता है।
तो उसी तरीके का सीन होने वाला है। एंड जैसे वो आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपनी वीडियोज में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और गाइस फ्री फायर की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आ रही है कि आपको 6 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक बैनर पे स्टे ट्यून्ड, और यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, एंड्रयू, स्रो और अल्वारो एंड वुल्फरा है, वुकोंग है और एक मीसा कैरेक्टर है। तो इनमें से आपको कोई एक कैरेक्टर फ्री में मिलेगा जिसे आप चूज करके आराम से क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पता कि कब आने वाला है। तो यार फ्री फायर वालों ने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत ही जल्द जो है गेम में हमें एक इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे इन 6 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वैसे आप इन 6 कैरेक्टर में से कौन सा एक कैरेक्टर क्लेम करने वाले हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और भाई आपके टेक्नो भाई के पास तो सारे के सारे कैरेक्टर हैं ही, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर क्लेम नहीं करूँगा। और भाई देखो फ्री फायर में ना आज एक नया इवेंट और आया है जिसमें कि आपको कस्टम कार्ड फ्री में मिल रहे हैं। अभी एक इवेंट तो एक्सपायर हुआ ही था 27 फरवरी को, जिसमें कि आपको नॉर्मल वाला कस्टम कार्ड और क्राफ्टलैंड वाला कस्टम कार्ड मिल रहा था 3 दिन 5 दिन लॉगिन करने पे जो भी था। लेकिन अब जो यहाँ पे एक और इवेंट स्टार्ट हो चुका है, इसमें 3 दिन लॉगिन करने पे मेन वाला कस्टम कार्ड मिलेगा और 5 दिन लॉगिन करने पे क्राफ्टलैंड का कस्टम कार्ड मिल रहा है। और भाई जो पिछली बार कस्टम कार्ड मिले थे ना मैंने, वो सारे के सारे अपनी गेस्ट आईडी पे भी क्लेम कर लिए थे। तो आप भी उस ट्रिक को आजमा लेना, मतलब अपनी गेस्ट आईडी को भी लॉगिन करके देखते रहना और आपको आपके गेस्ट पे भी और मेन आईडी पे भी कस्टम कार्ड मिल जाएंगे। अब यार मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी कभी के फ्री फायर वाले इंप्रेस करने के लिए ऑडियंस को ऐसे ऐसे इवेंट ला रहे हैं, मतलब जिसमें फ्री में कस्टम कार्ड मिल रहे हैं। और आप सभी को पता है कि यार कस्टम कार्ड की कितनी ज़्यादा अहमियत है गेम में, ठीक है। तो कुछ बंदे हैं जो कि फ्री फायर को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको जैसे ही पता लगेगा कि भाई फ्री फायर में फ्री में कस्टम कार्ड मिल रहे हैं, चलो भाई लूटने चलते हैं। तो चलो गाइस जरा बात कर लेते हैं अपने ईवो फेमस की कन्फर्म डेट के बारे में, यानी कि ईवो फेमस का फेयर रिवील हमारे इंडिया सर्वर में कब आने वाला है। भाई देखो बाकी अदर सर्वर में तो ईवो फेमस आ चुके हैं आराम से फेयर रिवील इवेंट में, लेकिन जो हमारे इंडिया सर्वर में फ्री फायर बैन का लपड़ा चल रहा है उसकी वजह से सारे के सारे तगड़े तगड़े जो इवेंट थे ना उनको पोस्टपोन कर दिया गया मार्च के महीने में, और मार्च का महीना कल से स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है यार अब देखो जो कोलोबेशन चल रहा है एसएसएन क्रिकेट के साथ वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक 4 मार्च से आपको एक नया टॉप इवेंट देखने को मिलेगा जो कि ईवो फेमस के रिगार्डिंग होने वाला है, या हो सके आपको गाइस एसएसएन क्रिकेट का भी टॉप इवेंट देखने को मिले, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाई चांसेस जो निकल के आ रहे हैं ना वो यार मुझे ईवो फेमस का आ रहे हैं, क्योंकि ईवो फेमस आने वाली थी फरवरी के महीने में जो कि मार्च के महीने में आएगी, तो उसी के रिगार्डिंग टॉप इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। और टॉप इवेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो इस वीडियो में नहीं बता के आपको बोर करूंगा, ठीक है, मतलब बता के बोर नहीं करना, ठीक है। तो टॉप इवेंट आएंगे ईवो फेमस के रिगार्डिंग, और ये जो ईवो फेमस है ना वो आपको 15 मार्च तक देखने को मिल जाएगी फिर व्हील में। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ ये भी आपको देता हूँ। तो भाई जो आपका एसएसएन क्रिएट का कॉलोबेस है ना, जो उसका इवेंट है वो 13 मार्च तक चलेगा, तो 15 मार्च तक आराम से जो ईवो फेमस का फेरिड व्हील है वो गेम में आ जाएगा। आप कम से कम अपने 1100-1200 डायमंड लगा के ईवो फेमस को निकाल सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ईवो फेमस निकालोगे या ज़ॉम्बी समराइ बंडल निकालोगे, क्योंकि ईवो फेमस के साथ में ही या ईवो फेमस के थोड़े दिन बाद आपको ज़ॉम्बी समराइ बंडल जो है वो रिटर्न देखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि ज़ॉम्बी समराइ बंडल कब गेम में आने वाला है हमारे इंडिया सर्वर में, कब रिटर्न आएगा। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को जल्द से एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।